नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। विकास कार्य करेंगे सारिणी पाठक, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी पत्नी पंकज पाठक। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में सारिणी पाठक जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी पत्नी पंकज पाठक ने बताया कि अगर जनता हमको बहुमत से चुनाव जिताती है तो गांव का विकास कार्य ऐसा करेंगी। सारिणी पाठक जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी पत्नी पंकज पाठक ने बताया कि क्षेत्र की जनता की प्रत्येक व्यक्ति की हर समस्या का निदान हेतु कार्य करेंगे। सड़क नाली का निर्माण कराएंगे, गांव के सार्वजनिक स्थानों पर लाइट्स का इंतजाम करना, ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर मस्जिद आदि स्थानों पर लाइट की व्यवस्था करनी होती है ताकि ऐसे स्थानों पर पर्याप्त उजाला रहे, ऐसा कार्य करेंगे। मेरा नाम पंकज पाठक है, मैं यहीं पटखौली शेर का रहने वाला हूँ। क्या चुनाव मैदान में उतरे हैं क्या आप? हाँ, जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है, उसमें हम भी मैदान में हैं। हमारी पत्नी है सालिनी पाठक, उन्हें वही चुनाव लड़ रही हैं। किस वार्ड से? वार्ड नंबर 52। जी, निर्दल हैं या किसी बैनर तले हैं? नहीं, हमारा कोई बैनर नहीं है, हम निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं। जी, अगर हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी जनता, आपके क्षेत्र की जनता आपको स्नेह प्यार देती है तो किस तरह काम करेंगे अपने गाँव के, क्षेत्र की जनता के लिए, गाँव के लिए? केंद्र से, प्रदेश से जो भी सरकार की योजना आएगी धरातल पर, उसको 100% उतारने का प्रयास होगा। जनता भी एहसास करेगी कि जिला पंचायत के अंदर कौन कौन से काम होते हैं, कैसे होते हैं, दिखाई देगा। जी, कोई मोटो होगा जो अपने क्षेत्र की जनता को बताना चाहेंगे आप? हमारा सिर्फ इतना ही मोटो है कि जो सरकार की उपलब्धि है, सरकार जो पंचायत क्षेत्र में भेज रही है, वो पंचायत के एक एक व्यक्ति तक पहुँचे। जी, हम जानना चाहते हैं क्या चुनाव चिन्ह मिला है? हमारा चुनाव चिन्ह क्रेन है। क्रेन है। 26 तारीख का मतदान है, हम जानना चाहते हैं आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आप क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहेंगे कि यहाँ जो भी प्रत्याशी हैं सबके बारे में जानकारी ले। यह मतदान का जो अवसर आया है, इसका उद्देश्य यह नहीं कि कौन कितने दिन आपके दरबार पर हाजिरी लगाया, कितना दारू पिलाया, कितना मीट मछली बांटा है, कितना शराब बांटा है। यह इसलिए हुआ है कि आप देखिए आपके क्षेत्र के जो भी प्रत्याशी हैं वो चाल चरित्र चेहरे से कैसे है, उनका बैकग्राउंड क्या है, और वैसे व्यक्ति को चुनाव में जिताने का प्रयास करें जिनका इतिहास अच्छा रहा हो, जो आपको आज तक अच्छे दिखे हों, समाज में अच्छा काम करें, अच्छा व्यवहार हो।